एक्चुअल हम लोग आज बैक पे काम करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग ACDC यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर टूल्स है, ऑप्शन है। ऑप्शन में हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है यहाँ पे ऑलवेज ऑन टॉप। जब तक आप इसे चेकआउट नहीं करो तब तक ये इमेज आपके ऊपर यहाँ पे नहीं रहने वाली, ठीक है। जितने भी आर्टिस्ट लोग होते हैं, देखो ये ACDC सॉफ्टवेयर है, बहुत लोग ये यूज़ करते हैं, कई लोग अलग अलग व्यूअर यूज़ करते हैं। मेन मोटिव क्या होता है कि आप चीज़ों को देख के आप काम कर सको, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे काम करना है, अभी मैं बैक मसल्स पे जाऊँ तो मुझे बैक मसल्स में कितनी चीज़ों को पहले निकालना है ये मेरे पास माइंड में रहना चाहिए, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर आपने बनाए रखा है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, जैसे सब टूल पे गया यहाँ पे, ठीक है। फाइल में बहुत हैवी है तो मुझे अभी यहाँ पे, देखो मैंने हर चीज़ को अलग अलग वे में मैंने बना के रखा है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ठीक है, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, एक टाइम आपके पास ऐसे भी आने वाला जब आपकी फाइल बहुत हैवी होने वाली। तो इसके मैं आपको एक प्रोसेस बताऊंगा भाई कैसे डील करें, ठीक है, किस टाइप से काम करें। चलो ठीक है, वो सिलेक्ट हो गया, सिर्फ प्रेस करके यहाँ पे मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास शायद ऐसा कुछ पार्ट आना चाहिए, तो ऐसा कुछ पार्ट आ गया यहाँ पे, ठीक है। डिस्प्ले कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी को मैंने बहुत बैक मसल पे मैंने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया क्योंकि मुझे पता है कि भी मेरे पास वो पार्ट ज़्यादा विजुअल नहीं है। लेकिन हाँ, चलो हम लोग यहाँ पे अगर काम करते हैं तो चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं वो थोड़ा सा मैं आपको टचअप देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट मैं कुछ टूल्स को यूज़ करता हूँ जिनको मुझे लगता है कि मेरे पास ये चीज़ थोड़ी सी काम की है, ठीक है। तो मैंने क्ले बिल्डअप लिया, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है, आपको मसल्स को समझना है। तो पहले स्टैंडर्ड टूल लो, ठीक है। फोकल शिफ्ट में गया हम लोग यहाँ पे, ठीक है। साइज़ मैंने सेट किया यहाँ पे, ओके। यहाँ पे पहले ड्रॉ करके देखो, यहाँ पे आ रहा है, सही काम कर रहा है। एक्स ऑन करो, बेसिक स्ट्रक्चर बनाओ। क्या बेसिक स्ट्रक्चर आपके पास कैसे आ रहा है, तो बेसिक स्ट्रक्चर को आप यहाँ देखोगे तो आपके पास यहाँ पे देखो बेसिक का पार्ट, ठीक है। इसके बाद आपके पास शेप आपके पास ऐसे, देन यहाँ से थोड़ा सा ब्रॉड हुआ, ठीक है। यहाँ से आपको थोड़ा सा ऐसे लेके जाना है, पॉसिबल है। आप पहले बेसिक आउटलाइन दो, यहाँ पे बेसिक आउटलाइन दोगे तो आपके पास यहाँ पे चीज़ आएंगी कि भाई मेरे पास ऐसे कुछ पार्ट है यहाँ पे कि मैं चीज़ों को वैसे कुछ मैनेज करने वाला हूँ। बीच वाले पार्ट है इसको मैं तो यहाँ पे मैं बैलेंस कर दूँ यहाँ पे। मेन चीज़ क्या है, आपको जो भी कोई काम करना है बहुत ही हाई एंड भी नहीं जाना है। सपोज मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है तो इज इट पॉसिबल, मैं मूव टू लूँगा यहाँ पे थोड़ा सा, मैंने इसको मैंने हल्का सा ये मैंने कर्व मैंने मेनटेन किया, पॉसिबल है कि नहीं। हर चीज़ ऐसे नहीं कि हमें काम ही ऐसे कर देना कि मैं बस एक बार में आउटपुट आ जाए, वो नहीं आएगा। आपको थोड़ा ये देखना भाई मैं सिर्फ कैसे मैं सीधे के पार्ट में ऐसे जाना है यहाँ पे, सिंपल सा पार्ट। अगर आप इसे डील करोगे तो आपका काम यहाँ पे आसान हो जाएगा। इसके बाद आपको शिफ्ट प्रेस करके हल्का सा ब्रांच शिफ्ट प्रेस कर, तो ध्यान देना ये 100 नहीं होना चाहिए, नहीं तो थाई डिटेल खत्म कर देगा। कम किया मैंने यहाँ पे हल्का सा मैनेज कर दिया मैंने पे। ये काम करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, क्ले बिल्डअप से गए, क्ले बिल्डअप में स्ट्रेंथ को करना है कम। अगर आप पेन टैबलेट यूज़ कर रहे हो तो 1 ही करना, उसके सिवा मत करना, ठीक है। इस पर हल्का हल्का आप यहाँ पे स्कल्प कर सकते हो। आप यहाँ पे ये जो मसल्स होते हैं बीच में से उठे होते हैं यहाँ पे, ये अप होगा यहाँ से, जैसे कोई होता है कर होता है तो यहाँ पे देखो ये पार्ट मुझे ये अप करना है, यहाँ से डाउन करना है यहाँ पे, ऐसे करके देखो ना ये सिर्फ ऐसे ऐसे ऐसे, तो ठीक है ये ऐसे करोगे देन शिफ्ट एंड स्मूथ, ये तो ऐसा ब्लेंड कर दो तो आपका यहाँ पे काम अच्छा होगा। यहाँ पे अभी यहाँ पे भी मैं देखूँ बैक मसल्स है, नेक मसल्स है, यहाँ पे बहुत से रेफरेंसेज हैं। क्या उन रेफरेंसेज को मैं तो आपको दिखाता हूँ, जैसे ये देखो यहाँ पे जूम किया मैंने यहाँ पे, अभी नेक मसल्स कहाँ थे, अभी ये नेक वाला मसल्स कहाँ तक जाता है, देखो यहाँ पे ये जो पार्ट है आपके यहाँ पे धीमे धीमे आप चीज़ों को यहाँ पे मैनेज करोगे। यहाँ पे ये पार्ट आपको कैसे गया ये देखो यहाँ पे, तो जो मसल्स दिख रहे उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डील करना स्टार्ट करोगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक पार्ट नज़र आ रहा है, ये पीछे से अगर मैं देखूँ यहाँ पे छोटा सा पार्ट आपके यहाँ पे स्टैंडर्ड पे गया मैंने, यहाँ से थोड़ा सा बेसिक शेप दे सकते हैं यहाँ पे, तो बेसिक से बस यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ऐसा मैंने कुछ पार्ट किया, अभी मैं स्कल्प पे गया सिंपल सा पार्ट, क्ले बिल्डअप पे गया, क्ले बिल्डअप से मैंने यहाँ पे इसको मैंने ऐसे स्कल्प किया यहाँ पे, ये तो ऐसा हैवी अप में जाना चाहिए यहाँ पे, देखना भाई ये जो पार्ट आपका ऐसा है, ठीक है। ये आप ऐसे करके आप ऐसे नॉर्मली स्कल्प कर सकते हो, बेसिक आप शेप बनाओ स्ट्रक्चर बनाओ। अब देखो यहाँ पे ये अलग दिख रहे हैं भाई, वहाँ पर अलग है, तो आपको एक चीज़ को फोकस कर लो मैंने किसको देखा है उसके बाद में डील कर सकता हूँ यहाँ पे। अदरवाइज जैसे ये पार्ट में बस यहाँ पे दिख रहा है, नेक वाले पार्ट को मैंने यहाँ पे किया जिस मैंने दोस्तों यहाँ पे मैंने मैनेज किया है, ठीक है। ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे गया, यहाँ पे मैंने चीज़ों को दे रखा था कि मैं उसे मसल्स की कनेक्टिविटी यहाँ से यहाँ तक ये बनेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं चीज़ों को अगर मैं देखूँ तो उस पार्ट को तो लाइक काइंड ऑफ, ठीक है, इन चीज़ों को मैं ऐसे फुलफिल करके दिखा सकता हूँ मैं उसे पार्ट यहाँ पे, ठीक है। ये जो मसल्स मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो बेसिक सा पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, जो मैं टचअप कर दूंगा तो यहाँ पे थोड़ा सा इन चीज़ों को ऐसे भी दूंगा यहाँ पे। ये आपका जो मसल्स होता है ये आपके ईयर के नीचे से निकल जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये जो पार्ट आपके पास आएगा ये ऐसे करके यहाँ पर आने वाला, तो इन चीज़ का मुझे ध्यान देना है कि मेरे पास मसल्स कौन सा मसल्स किधर और कैसे आने वाला है यहाँ पे, ठीक है।
ये जो पार्ट है, ये जो बोन दिख रहा है, ये बोन आपने जो दिखा है, ये बोन गया, ये जो बोन गया है, ठीक है, ये बोन आपको पीछे तक आता है यहाँ पे, जो आपको इससे पहले वाली इमेज आपने देखा था उसमें वही बोन एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पे। कहाँ गया ये पे दिख रहा है पे बोन, ये वाला पार्ट इसी से डिवाइडेड होकर अलग हुआ है, ठीक है। अभी तो उससे मैं मसल्स का अगर देखो यहाँ पे, मैं मसल्स के अगर मैं स्टडी करता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना है तो मैं इतने मसल्स में दिखाने वाला। देखो यहाँ पे दिख रहा है पार्ट में, बस यहाँ पे अभी बेसिक स्ट्रक्चर में क्या कर सकता हूँ, बेसिक मैंने यहाँ पे ये काम किया मैंने, ठीक है, स्टैंडर्ड पे गए, यहाँ से मैंने बेसिक से स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे कहाँ पे जा रहा है इसके पार्ट से यहाँ पे, तो ये पार्ट में यहाँ से ऐसे दे सकता हूँ पे, इतना इतना ही करके मेरे पास काम हो जाएगा। मैं यहाँ पे दो पार्ट में अगर डिवाइड कर दूँ यहाँ पे मैंने दिया, तो मैं ऐसे करके दिखा सकता हूँ पे, दिख रहा है पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया। इसी को मैं अगर अलग से डिफाइन करूँ, तो मैं ये छोटे छोटे मसल्स में अगर दिखाना चाहूँ तो मैं दिखा सकता हूँ, ठीक है। अगर आप इसमें अगर काम करते भी हो तो आपको ये पार्ट आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा पार्ट ये देखो, ये आपका हल्का सा नेगेटिव यहाँ से ये आप कर देना आपको यहाँ पे, ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप यहाँ पे। यहाँ पे गए हम, ठीक है, सिंपल आपको थोड़ा सा स्कल्प करो, थोड़ा सा बैलेंस करो, उसके बाद चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज भी करो, कहीं पर लगे तो ज़्यादा तो थोड़ा सा मैनेज करके दो यहाँ पे, वो चीज़ों को आपको कंप्लीट करना है। देखो यहाँ पे देखें, ये ट्रेसेस वाला पार्ट है, ट्रेसेस वाले पार्ट को मैंने यहाँ पे ऐसे ऐसे कनेक्टेड दे दिया यहाँ पे, देखो पे, तो मैं यहाँ पे चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ भाई, मुझे ऐसा कुछ काम करना है तो मैं डील कर सकता हूँ, ठीक है। रेफरेंसेज देखें अभी हम लोग, और ये देखो ये नॉट में देख रहे हैं, अभी पोज वाले नहीं लेना, यहाँ पे सिंपल सा पार्ट ये देखना है, जो बैक वाला पार्ट हो, अगर फ्रंट से बैक नहीं देखा तो आपके लाइक मसल्स और बाकी चीज़ नहीं दिखेंगे, ये फ्रंट से बैक देखना चाहिए, तो हमें फ्रंट से दिखेगा, लेकिन काम हमें कहाँ से करना है, बैक से करना है, कि मैं बैक से तो ऐसा काम करूँगा, मेरे पास यहाँ पे चीज़ें आएंगी यहाँ पे। ये देखो हर एक में कुछ अलग दिखेगा, अभी हाथ सीधा है ऐसे टी पोज में, तो यहाँ पे ये मसल्स स्ट्रेच हुआ है ना यहाँ पे, तो अभी इसको लेके मत बैठ जाना कि सर मेरा तो इसमें ऐसा था और मैं उसमें ऐसा, तो ये चीज़ हमें समझना है। बेसिक से स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सा बेसिक से स्ट्रक्चर, ठीक है, अभी थोड़ा जीवरस में सोचो, अगर आपको ये स्कल्प करना पड़े क्ले से तो क्या हालत होने वाली है, तो ये सब चीज़ आपको थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा कि अगर हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, जितने मस्कुलर देखो अलग अलग मसल्स देखा है यहाँ पे टर्न दे रखा है, अगर यहाँ पे हम लोग काम करना चाहते हो पोजेस बना, तो ये पार्ट में से ऐसे कनेक्टेड होगा क्या यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से आपके एक्सटर्नल ऑब्लिक्यू भी आते हैं, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इन चीज़ को भी दिखाऊंगा। यहाँ यहाँ से देखो अभी मैंने थोड़ा सा पोज दिया यहाँ पे, देखो ये कट आपको नजर आया, तो कट में आपको ऐसे देन बैक में आपका कैसे आ गया, ये वाला पार्ट आपको ऐसे जाने वाला है, तो ये पार्ट आपको ऐसे कुछ डिफाइन कर देना है, वेटेड है तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे मैं इस मसल से, जो मसल्स हम लोग बहुत पतला पतला बनाते हैं यहाँ पे, बहुत हैवी करेक्टर है, हैवी करेक्टर में यहाँ पे चीज़ें ये अलग से आप दे सकते हो, अलग से देने पे देखो ये कैसे लग रहा है, बीच से अप है, इधर उधर से डाउन है, ठीक है। मेक श्योर अभी आप यहाँ पे कोई भी काम कर रहे हो, मुझे यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि मेरे पास ये पार्ट बीच से अप होना चाहिए, इसका तो पैसे से आप ड्रॉ करोगे, तो देखो ये आप इधर से कनेक्ट करो तो ये अपने आप ये टेक्निक आपको समझ आएंगे, तो आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। पहले बीच से आपने क्या किया, ये पार्ट आपने ऐसे अप कर दिया, साइज देखो पे मैंने ऐसा अप कर दिया ऐसा, देन इसका तो आप ऐसे इस टाइप से स्कल्प कर, तो वो ऑटोमेटिक बीच वाला पार्ट आपका ऊपर ऊपर ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। स्विफ्ट एंड स्मूथ, स्विफ्ट एंड स्मूथ, तो ये चीज़ हम लोग ऐसे मैनेज करके दिखा देखो आप वो यहाँ पे टेक्निक को समझोगे तो आपको इस चीज़ यहाँ पे आएंगी क्या, कि आप किस टाइप की टेक्निक को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। ये देखो अलग अलग टिप्स एंड ट्रिक्स हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे देखें यहाँ पे कैसा पार्ट है, अभी आप यहाँ पे देखो तो मेजर अगर देखो तो यहाँ पे एक बेसिक सा पार्ट दिख रहा है पोजेस में, लेकिन देखो ये मसल्स आपके यहाँ पे इंडायरेक्ट वे में आपको देखेगा यहाँ पे, नहीं समझ में आए आप निगेटिव स्कल्प करके दो यहाँ पे, ठीक है, ये तो पार्ट आपका आना ही है। मेक श्योर ये जो लाइन हम लोग जो ड्रॉ करने वाले एक पे ही आके यहाँ पे ड्रॉ, ठीक है, ये मसल्स आपके यहाँ पे जाने वाला है, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखें तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें ऐसे भी मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो ये पार्ट यहाँ पे देखो यहाँ से डिवाइड हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये जो बगल से पार्ट दिख रहा है ये आपका यहाँ पे ये एक्सटर्नल ऑब्लिक्यू बोलते हैं, इधर जो साइड में ये वाला पार्ट ये एक्सटर्नल ऑब्लिक्यू यहाँ पे आता है, ठीक है। तो ये मसल्स को जब तक आप टर्न अराउंड नहीं पकड़ोगे ना तो चीज़ें आपके पास बहुत बढ़िया नहीं दिखने वाली, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर जो भी कोई काम कर रहे हैं तो उसको उसका एक वे है कि हम इसे मैनेज करें। अगर लगता है मैं बस स्मूथ काम नहीं कर रहा तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसका दूसरे लेवल पे आके मैं काम करूँगा यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं चीज़ों को कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये जो पार्ट देखें यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ से ये मेरे पास मसल्स का स्कल्पटिंग ही ऐसा होना चाहिए कि मैं मसल्स को देख के मैं ऐसे ही स्कल्प करूँ ताकि मैं चीज़ें यहाँ पे दिखे क्या, ठीक है। तो आप चीज़ें आपके सामने थोड़ा बेटर दिखेगा यहाँ पे, ये देखो इनको आप थोड़ा सा स्टडी करने के बाद आप चीज़ों को बहुत अच्छे वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो। मेरे पास ये पार्ट में बस ऐसा है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे नेगेटिव भी करना पड़े तो मैं अलग से थोड़ा सा नेगेटिव स्कल्प भी करूँगा, वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे बैलेंस करके देखना पड़ेगा भाई मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसी हैं और किस टाइप की हैं। एक ही एंगल से आप काम करोगे तो फर्स्ट आओगे, ये भी ध्यान देना, ये जो मसल्स आपके पास जा रहा है ये आपका ऐसे इधर भी आएगा और ये इधर भी आने वाला, तब जाके मसल्स आपके यहाँ पे फुलफिल होता है कि आप यहाँ पे चीज़ों को कैसे दे रहे हैं आप, कि मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा डील करूँ तो मुझे यहाँ पे किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल करना है।
ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे चूहे को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे अभी यहाँ पे मैं चूहे को दिखाऊँ, मुझे यहाँ पे अगर ये वाला पार्ट मुझे काम करना है तो मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी यहाँ पे अगर मुझे अगर कुछ निगेटिव करना तो मैं ऐसे करके निगेटिव स्कल्प भी करूँगा यहाँ पर, तो उसके अकॉर्डिंग भी मुझे काम करने का प्रोसेस आना चाहिए कि मैं चूहे को मैं किस टाइप से मैं मैनेज कर रहा हूँ, किस टाइप से मैं चूहे को फुलफिल कर रहा हूँ। इतना भी कर दोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, लाइक बेसिक्स आपका थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए कि आपका बेसिक वाला पार्ट आपका कैसा है, ठीक है, किस टाइप से आप काम कर रहे हो। हिप वाला पार्ट देखोगे, हिप वाला पार्ट आपका ऐसे राउंड में जाता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से कनेक्टेड को इतना पार्ट अप होता है, यहाँ से डाउन होता है यहाँ पे। अगर कहूँ यहाँ पे ये पार्ट थोड़ा सा आपका डाउन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इन चीज़ को थोड़ा ऑब्जर्व करोगे, अपने आप को भी ऑब्जर्व कर सकते हो। बाथरूम में जाओ, मिरर में चेक करो, एनाटॉमी के लिए चीज़ें गलत नहीं है क्या, आप अपनी एनाटॉमी को भी ऑब्जर्व कर सकते हो। लगेगा मजाक लगेगा लेकिन वो फैक्ट है क्या कि आप चीज़ों को ऑब्जर्व करो, रेफरेंस के साथ आप ऑब्जर्व करो, रेफरेंस के साथ आप कैसे डील कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको अगर रेफरेंस देखना है तो रेफरेंस के लिए आप चीज़ों को ऐसे भी डील करते हो, ठीक है, आप नेट से रेफरेंसेज लो, नेट से रेफरेंसेज आपको अच्छे मिल जाएंगे, अदरवाइज इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप रेफरेंस को कैसे आप लुक एंड फील देने वाले हो। कैरेक्टर मॉडलिंग में आपको ये सब चीज़ें एक बार देखना ही पड़ेगा क्या कि आपका पार्ट कौन सा पार्ट के स्टेप से है, शेप्स कैसे जा रहे हैं यहाँ पर। जब तक आप इन सब चीज़ को ध्यान नहीं दोगे तब तक आपको चीज़ें बहुत बेटर नहीं देखने वाले यहाँ पर। तो बेसिक पार्ट अभी होता क्या है कि लाइक इंडियन में क्या होता है कि भाई ज़्यादातर क्या होता है ना, तो टीचिंग में इतने डिटेल में जाते हैं ना, ऐसा कुछ थोड़ा सा इसको एडिटेड मांगते हैं क्या, लेकिन देखो अभी हम लोगों को जिस जगह पर जिस प्रोफेशन में उन चीज़ को तो समय डील करना पड़ता है, ठीक है, अभी जिस प्रोफेशन में यहाँ पे आपको करेक्टर करना ही है, अगर करेक्टर करना है तो आपको इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करना ही है, उसमें कुछ लाइक अलग सी चीज़ नहीं है। लोग साइंस भी तो पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, साइंस में भी तो चीज़ों को स्टडी की जाती है, वैसा नहीं कि यहाँ पर साइंस में चीज़ें बताई नहीं जाती, होता ही नहीं होता, तो वो चीज़ आपको तो समझना पड़ेगा, थोड़ा सा लाइक अपने आपको एक लेवल अलग लेके जाना पड़ेगा क्या, लेकिन हाँ इसको मिसयूज़ नहीं करना कि हाँ हम एक लेवल अलग लेके जा रहे हैं और हम लोग बात कुछ और कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि अगर मैं यहाँ पर कोई भी काम करने वाला हूँ तो मेरे बस बेसिक स्ट्रक्चर में बस कैसा होना चाहिए, ठीक है, सॉरी, ठीक है, ये जो पार्ट है यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेसिक स्टेप दे दिया मैंने, यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टर्न कर दिया, ठीक है, ये पार्ट आपको यहाँ पे ये मसल्स आपके इधर कनेक्टेड होता है, जो मेरे पास थाई के जो मसल्स होते हैं इनके इन बिटवीन होते हैं, देखो दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर मैंने कुछ रेफरेंसेज मैंने निकाले ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया मिल सके यहाँ पे, ठीक है, तो शायद आपको कुछ हेल्प करेगा वहाँ पे। ये देखो ये देख रहे हैं अभी देखो, ये आपका ये हिप वाला पार्ट है, हिप वाला पार्ट से यहाँ पे कनेक्ट दिया ना यहाँ पे, ये पार्ट आपने यहाँ से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ के आपके जो मसल्स होंगे वो पार्ट आपके यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर मैनेज कर सकते हो चीज़ों को कैसे फुलफिल किया जा सकता है यहाँ पे, जो मसल्स आपके पास यहाँ पे जा रहे हैं उसके बाद आपके मसल्स को आप ऐसे ये शेप आप यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे काम अगर कर रही हो तो आप शेप्स को इस टाइप से आप ड्रॉ कर सकते हो। अगर लगे कि मेरे स्कल्पटिंग के साथ में इतना ज़्यादा कंफर्टेबल तो आप यहाँ पे क्या करो, आपने क्या क्या स्टैंडर्ड टूल लिया आपने, ठीक है, स्टैंडर्ड ब्रश लो आप यहाँ पे, देखो ये पार्ट अपने आप यहाँ पे ऐसे कुछ कर दें यहाँ पे, ये शेप्स आपके यहाँ पे और देन ये शेप्स आपने ऐसे यहाँ पे टर्न कर दें यहाँ पे, ठीक है, आप यहाँ से निगेटिव लाइन आप यहाँ से नॉर्मली ड्रॉ कर सकते हो आप यहाँ पर। अभी ये मैंने किया तो अपने आप ही हाईलाइटेड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मसल्स कितने, मैं बहुत मेजर मसल्स नहीं दिखाने वाला, ठीक है, अभी मुझे लगता है कि मैं पहले बेसिक्स में ही काम कर लूँ तो मेरे लिए बेसिक्स वाला पार्ट यहाँ पे ईजी हो जाएगा। जितने मसल दिखाओगे उसके लिए आपको उतनी ज़्यादा स्टडी भी करनी पड़ेगी, समझ में भी आना चाहिए, अब वो आपको समझ में आता तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो ऐसे भी डील करना पड़ेगा कि मैं ऐसे उसको मैं कैसे काम कर सकता हूँ। बेसिक पार्ट को आप यहाँ पे देखेंगे तो आइडिया मिलेगा कि मेरे पास ऐसा कुछ काम आ रहा है, ठीक है, स्कल्प करो फिर हल्का सा स्मूथ करो क्योंकि हमें मसल्स के ऊपर स्किन भी देना है, तो यहाँ पे तो ऐसा चीज़ को देखेंगे यहाँ पे क्या, यहाँ देखो ठीक है, अभी यहाँ पे ऐसे इसके अंदर देखो, इसके अंदर एक के अंदर एक और मसल दिख गया यहाँ पे, तो आप इतना भी करते हो तो आपका काम हो जाता है। हाँ जब आपको लगे कि आपको इतना इतने ज़्यादा ही जाना है तो फिर आप यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करोगे यहाँ पे। यहाँ का देखो ये जो पार्ट दिखे इसके अंदर से कनेक्टेड होता है यहाँ पे, ठीक है, अभी यहाँ पर आप देखोगे तो ये पार्ट मैंने यहाँ पर दिया, ये पार्ट मैंने यहाँ पर दिया, ठीक है, इन चीज़ों को थोड़ा सा हमें मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे। अभी मैं इन चीज़ों को मैं दूँ तो यहाँ पे मैंने इधर से कनेक्टेड किया, ये वेटेड होगा मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, वेटिव रहने मतलब ये पार्ट आपको ऐसे जाना है, फिर मुझे ऐसे स्कल्प करना है, तो यहाँ पे मैं चूहे को ऐसे करके स्कल्प करूँगा यहाँ पे, ठीक है। रियल करेक्टर में टाइम लगता है, जब आप रियल करेक्टर को पिक करते हो उसमें आपको एनाटॉमी को समझने में आपको स्कल्प करने में टाइम लगता है, तो ये बेसिक चीज़ आप यहाँ पे अगर काम करते हो तो आपको तो आइडिया मिल जाएगा कि आप किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये भी अभी
देखा, तो इसमें हमें थोड़ा सा और टाइम देना पड़ेगा कि भाई स्टेप्स मेरे पास कैसे हैं। यहाँ पे भी बेसिक स्ट्रक्चर आपको अलग अलग दिखेगा, यहाँ पर देखना पे ये मसल्स आपको देखना, ये काइंड ऑफ आप इसको चाहो तो आप ऐसे भी डिफाइन करके दे सकते हो आप। यहाँ पे ये जस्ट काइंड ऑफ आपने यहाँ पे दिया, और ये देखो ये वाला मसल थोड़ा सा नीचे होता है, तो मैं ऐसे भी करके यहाँ पे दे सकता हूँ। तभी मैंने इतना बेसिक सा स्ट्रक्चर मैंने दिया यहाँ पे। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करने वाला, ये देखो यहाँ पे क्ले बिल्डअप में गया, क्ले बिल्डअप में जाकर मैंने ये पार्ट मैंने इधर और इधर ऐसे, ठीक है, ये पार्ट मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है, मैनेज करा पे, देन इस टाइप से मैं ऐसे मैं स्कल्प्ट कर सकता हूँ। मैं ये चीज़ थोड़ा सा बेटर दिखेगा यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्विफ्ट एंड स्मूथ कर दो तो ये आपका थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा कि आपको किस टाइप से काम करना है। तो बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर को आप अगर ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे भी आपके पास ये इन दोनों के अंदर जाते हैं। देखना पे तो स्टैंडर्ड में गए, मैंने यहाँ पे क्या काम करना है, ये जस्ट काइंड ऑफ ये इसके अंदर, ये इसके अंदर, ये हल्का सा डिफाइन कर दोगे तो ये पार्ट आपका यहाँ पे देखिएगा भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं उस जो हैवी मसल्स हैं यहाँ पे देखो मसल देखें भाई, ये पार्ट यहाँ पे ठीक है। अभी मैंने इसको थोड़ा सा कनेक्टेड नीचे दिया, ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ पर दिया, ये पार्ट मैंने इधर कनेक्टेड दिया पे, तो मैं ऐसे करके भी मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ। वैसे पहले कनेक्टेड कहाँ जा रहा है, किस स्टेप से जा रहा है, आप चीज़ को कैसे मैनेज कर पा रहे हो वो चीज़ आपको यहाँ पे देखिएगा। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा काम करो, यहाँ पे स्कल्प्ट करो, गैपिंग कम करो आप यहाँ पे, ठीक है, स्विफ्ट एंड स्मूथ ये पार्ट आपके यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस करोगे यहाँ पे, तो थोड़ा सा बैलेंस करोगे तो बेसिक स्ट्रक्चर आपके पास यहाँ पे देखिएगा कि भाई मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है, ठीक है, मैं ऐसा कुछ काम कर सकता हूँ यहाँ पे, ओके। तो ये थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करना है, उसके बाद आप देखो यहाँ पे वैसे हम लोग तो लाइक बाकी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करने वाले थे, हाँ थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, तो अगर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करना है तो मैं कैसे मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, ओके। अभी चलते हैं, जैसे मुझे ऐप्स पे काम करना है, अभी ऐप्स में बस अलग अलग टाइप के ऐप्स हैं यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐप्स देखूँ, मगर इस रेफरेंस को फॉलो करूँ तो मैं इसके साथ में काम करूँगा यहाँ पे। बात समझने वाली बात है कि देखो मैं यहाँ पर अगर मैं कोई भी काम करने वाला हूँ यहाँ पे, बस कितने किसी के तीन होते हैं, किसी के मतलब तीन तीन छः होंगे यहाँ पे, किसी के आठ होंगे, वो इस डिपेंड कि भाई कौन सा बंदा किस टाइप से काम कर रहा है, किसके मसल्स कैसे, वो सब कुछ आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, ये जो पार्ट आपको देखेगा यहाँ पे, ये एक्सटर्नल ऑब्लिक ये पार्ट आपको यहाँ पे ये हैवी होता है यहाँ पे, ठीक है, ये एक सिंपल सा पार्ट आपको यहाँ से हल्का से कनेक्टिविटी आपको यहाँ पे भी आता है, ठीक है। इसके लिए मैं स्टैंडर्ड टूल भी यूज़ करता हूँ, जैसे मुझे यहाँ पे काम करना है, ये सिंपल सा पार्ट ये अपने आप अप हो जाएगा, मुझे बाद में अप करने की नीड नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। ये इतना प्रोमिनेंट नहीं करते यहाँ पे, देखो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोमिनेंट किया हुआ है, ये क्या करते थोड़ा सा बाद में हम लोग थोड़ा सा मैनेज कर देंगे यहाँ पे, ओके। अभी यहाँ पे मैं काम करता तो मुझे यहाँ पे चीज़ों को ऐसे भी मैं मैनेज करके दिखाऊंगा मेरे पास ऐसे क्या पार्ट है, ओके। बैलेंस कर सकते हैं यहाँ पे, चीज़ों को थोड़ा सा फुलफिल कर सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे एक्सटर्नल ऑब्लिक यहाँ पे देखो कैसे मसल्स निकला हुआ, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ यहाँ पे चीज़ों को मैंने ऐसे भी स्टेप से मैं स्कल्प कर सकता हूँ। स्टैंडर्ड टूल आपको लाइक स्टैंडर्ड ब्रश आपको बहुत बढ़िया काम करने वाला है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हो ये समझो, स्टैंडर्ड ब्रश आपको यहाँ पे कैसे लुक एंड फील दे रहा है। अभी जस्ट ये आपको सिंपल सा पार्ट दिखा रहा हूँ, मुझे यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना है, देखो रिप केस हमने यहाँ पे दे रखा है, रिप केस का तो हमने मैनेज कर रखा है। अभी यहाँ पे मैं सिंपल सा पार्ट देखो, ये मैंने ऐसे सेफ देखा है, यहाँ पे मुझे अप देना डाउन देना मैं पे कर सकता हूँ यहाँ पे, तो मैं उसके अगर मुझे अगर कुछ चेंज करना पड़े तो मैं कर सकता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे मैं एक मसल्स यहाँ पे और क्रिएट करके दिखाता हूँ, छोटा सा पार्ट ताकि आपको आइडिया मिल लगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा क्या काम किया, ये देखो चीज़ों को जितना लाइक समझो उतना ज़्यादा बेटर है। देखो ये सिर्फ मैंने ऐसे कुछ यहाँ पे ये जस्ट काइंड ऑफ ऐसा मैंने किया क्या, ठीक है। ये पार्ट मेरे बस यहाँ पे जा रहा है, यहाँ से मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये शेप्स को मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है। ये बहुत ही प्रोमिनेंट नहीं होगा, ये भी आपको ध्यान देने का, बहुत ही प्रोमिनेंट नहीं करने वाले हम लोग यहाँ पे। देन ये पार्ट यहाँ से साइड से कनेक्टेड भी रहने वाला, तो साइड से कनेक्टेड करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, ये जब भी मैं स्कल्पटिंग ऐसा होना तो मैं ऐसे ऐसे करके मैं स्कल्प करूँ यहाँ पे, ताकि मेरे ये बेसिक वाला स्ट्रक्चर साइड के साथ आपका कवर हो सके यहाँ पे, ठीक है। देखो आपका एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट क्यों यहाँ तक आ रहा है, कहाँ तक आ रहा है, ये पार्ट आपका एप्स की तरह। तो अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैंने ऐसे स्कल्प किया, इस स्टेप से मैं स्कल्प करता हूँ, तो मैं बस ये पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इन चीज़ को ऐसे भी ऐड ऑन कर सकता हूँ यहाँ पे। ये भी एक रेफरेंस के अकॉर्डिंग डील करेंगे, ध्यान देना कि अगर आप यहाँ पे काम कर भी रहे हो तो आपको किस टाइप से चीज़ों को मैनेज करना है, ठीक है। स्कल्पिंग करते हो आप यहाँ पे चीज़ों को इससे और इस स्टेप से आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। अभी आप ऐसे मैनेज करोगे तो आपके यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट ऐसे भी विजुअल होगा कि मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, क्योंकि अलग अलग रेफरेंस, अलग अलग रेफरेंस का अलग अलग चीज़ें भी देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ देखो यहाँ पे एक सिंपल सी एक लाइन से जा रही है, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ यहाँ पे, ठीक है, स्टैंडर्ड पे गए यहाँ पे, ठीक है, ये देखना ये जो साइड से पार्ट आपके पास यहाँ पे, ये एक साइड से आपके पास एक लाइन से यहाँ पे विजुअल कट जैसे जा रहे हैं। तो अभी यहाँ पे इसने क्या डिफाइन कर दिया कि मैं स्पीच वाले मसल्स यहाँ पे मैं कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ, समझ में आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को ऐसे मैंने मैनेज किया, इसको छोटी छोटी डिटेल्स के लिए भी हम उस चीज़ों को बैलेंस कर देंगे हम लोग यहाँ पे।
ये काइंड ऑफ ये तो छोटे छोटे मसल्स पे थोड़ा सा स्टडी करोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पे, अभी मुझे यहाँ पे काम करना, अभी ये छोटे से मसल्स को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, मैं इतना पार्ट यहाँ पे दिखा रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे, अभी मुझे इतने ही पार्ट पे मुझे यहाँ पे क्या काम करता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा काम किया, पहले तो ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है, ये काइंड ऑफ यहाँ पे दिया, ठीक है, यहाँ से मैं चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज कर रहा हूँ पे, ठीक है, ओके। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने बैलेंस किया, यहाँ पे बैलेंस करने से मुझे यहाँ पे हल्का सा कट चाहिए, तो यहाँ पे मैं कट करने के लिए स्टैंडर्ड टूल लूँगा यहाँ पे और थोड़ा सा नेगेटिव स्कल्प लेता हूँ पे, कैसे जा रहा है, ये काइंड ऑफ ऐसे करके यहाँ पे कट दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये कट देने के बाद मुझे यहाँ पे वापस ये थोड़ा सा साइज मैंने बड़ा कर दिया यहाँ पे, इसको मैं देखो ये सॉफ्टनेस के साथ मुझे वो पार्ट मुझे निकालना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मुझे कैसे देना है, ये पार्ट मुझे ऐसे देना है, ठीक है। अभी ये पार्ट मुझे ऐसे देना है तो मैंने क्या किया यहाँ पे, ये जस्ट काइंड ऑफ जितनी प्रोमिनेंट चीज़ों का आप यहाँ पे कर सकते हो, बहुत ही साइज छोटा करो आप यहाँ पे, ठीक है। देखिए आप ये जस्ट ये थोड़ा सा प्रोमिनेंट करके यहाँ पे लेके चलते हैं, प्रोमिनेंट यहाँ पे जा रहे हैं यहाँ पे। अभी इसके साथ मैंने यहाँ पे क्या किया, बिग ब्रैकेट से मैंने बड़ा कर दिया यहाँ पे, ठीक है, चीज़ों को थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर दिया यहाँ पे, थोड़ा सा मैं स्टेप्स में चीज़ों को इधर से और इधर से मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, स्विफ्ट एंड स्मूथ ये ब्लेंड करो आप यहाँ पे, तो चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा सा, अभी पहले हमने प्रोमिनेंट किया उसके बाद हमें थोड़ा सा स्मूथ कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ओके। अभी यहाँ पे क्या है, जैसे रेफरेंसेस हैं वैसे मुझे डील करना है यहाँ पे, ऑटो से ऑटोमेटिक आपका चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो ये पार्ट में थोड़ा सा मैं बैलेंस कर देता हूँ कि भाई मैं बस शेप्स का पार्ट कैसा है, थोड़ा टाइम लगेगा, हैवी मॉडल जितना आप लेवल बढ़ाओगे उसमें उतना टाइम लगता है कि आप किस टाइप से आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। अभी सेव हो जाए तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, चलो ये हमारा ऑटो सेव हो गया यहाँ पे। देखो ये छोटे छोटे पार्ट हमने यहाँ पे ऐड ऑन किए यहाँ पे, देखो ये मसल्स यहाँ पे फ्लैट जा रहा था, आपको यहाँ पे थोड़ा सा इन चीज़ को थोड़ा सा मैनेज करना है, और मैनेज कैसे करोगे, ये आपका चीज़ों को थोड़ा सा फोकस शिफ्ट मैंने यहाँ पे किया, देखो यहाँ पे देखें यहाँ पे ये पार्ट मैंने थोड़ा सा उससे बढ़ा के यहाँ पे, अब ये मैं अगर ऐसे स्कल्प करके दूँगा तो मेरे ये पार्ट ऐसे मैनेज हो सकता है यहाँ पे, तो ये आपका ऐसे ब्लेंड करके देना है, देखो यहाँ पे ये मसल्स आप यहाँ पे नॉर्मली ऐसे दे सकते हो, आप चीज़ों को ब्लेंड करते हुए दिखा सकते हो आप यहाँ पे। देखो यहाँ पे हमने जो काम किया है, देखें अभी ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जैसे मैं बस ये पार्ट देख रहे हैं यहाँ पे, अभी ये बेसिक सा स्ट्रक्चर मेरे पास कहाँ पे जाने वाली है, जस्ट इनके साथ में ऐसे मैं मैनेज करूँ तो मैं बस ये पार्ट ऐसे ही बैलेंस करके दिखाऊंगा। वेटेड दिखाना है मुझे यहाँ पे, तो वेटेड के साथ मैं चीज़ों को ऐसे दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे आपका सेप थोड़ा सा ये एस टाइप से भी कर्व में जा रहा था, आप यहाँ पे चाहो तो एस टाइप से भी आप चीज़ों को ऐसे दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो। इसके बाद मैंने स्कल्प्ट किया, ये देखो ऊपर से थोड़ा सा पतला और ये थोड़ा सा ये मैंने मैनेज किया, तो इसको थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, साइज़ को यहाँ से आप देखो डील करो, ठीक है। इनको भी थोड़ा सा मैनेज करो तो आपके यहाँ पे चाहिए देखेंगे, देखो ये पार्ट आपको ऐसे दिख रहा है। अभी क्या है, अच्छा यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने जो काम किया यहाँ पे ये थोड़ा सा स्मूथ कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ज़्यादा पार्ट आपके यहाँ पे देखिएगा तो थोड़ा सा और लगेगा, तो हल्का सा मुझे लगे कहीं पे मैं थोड़ा सा मैनेज करूँ तो मैं हल्का सा नेगेटिव स्कल करके भी मैं बैलेंस कर दूँगा कि वो चीज़ थोड़ा सा मुझे ऐसे भी कुछ पार्ट अगर ऐड ऑन करना पड़े तो मैं कर सकता हूँ। इसमें देखो यहाँ पे चीज़ें कैसे कि जो मैंने इससे पहले वाले पे जो मैंने डील किया ये पार्ट मैंने थोड़ा सा बड़ा कर रखा है, हाँ थोड़ा सा बैलेंस करना चाहो तो फिर अगर मैंने एक को मैनेज किया तो मैं इसको यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं बैलेंस करने वाला हूँ, ठीक है। कि यहाँ पे देखो ये पार्ट कैसा है, ये ऊपर वाला पार्ट ये है आपके, ठीक है, ये पार्ट आपके पास यहाँ पे, दूसरा पार्ट मैंने अगर यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ऐसे कुछ बैलेंस करना पड़े तो मैं ऐसे भी थोड़ा सा मैं डील कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखो ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज और भी यहाँ पे करके दिखाता हूँ, तो रेफरेंस के अकॉर्डिंग मुझे डील करना आना चाहिए, मैं कैसे मैं मैनेज करा पे देखा यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सेट किया यहाँ पर, ठीक है, पार्ट में वैसे ऐसा कुछ जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, कनेक्टेड आपके पास ऐसा कुछ पार्ट आपको देखे यहाँ पर, ठीक है। ये बेसिक एक एंगल से हम लोग चीज़ को यहाँ पे मैनेज करें तो मैं बस यहाँ पर चीज़ें थोड़ा सा बैलेंस कर सकता हूँ आप यहाँ पे। देखो ये पार्ट मैंने यहाँ पे मैनेज किया, दूसरा पार्ट यहाँ पे क्या, अभी ये मुझे थोड़ा सा क्या करना, ये थोड़ा सा मुझे आप लेके जाना पड़ेगा क्योंकि ये इसके अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनेज नहीं करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं थोड़ा से मैनेज करके यहाँ पे, ठीक है, आप इसको थोड़ा सा अभी ऊपर की तरफ आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो, तो चेंजेस आप यहाँ से ऐसे करके आप करोगे तो थोड़ा सा बैलेंस लगेगा कि नीचे वाले मसल्स को भी थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा भाई यहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिंग कितना काम करना है, किस टाइप से चीज़ को मैनेज करना है यहाँ पे, ठीक है, किस टाइप से चीज़ को फुलफिल कर सकते हो आप यहाँ पे। देखो एक चीज़ और भी ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे किया कंट्रोल शिफ्ट, यहाँ पे साइड वाला पार्ट भी आपको ध्यान देना कि कहीं एकदम से गैप ना हो जाए बहुत ज़्यादा, अगर अंदर बाहर होगा तो ये भी पार्ट थोड़ा सा और लगेगा, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा इन चीज़ों को भी बैलेंस कर देना, ठीक है। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना है, वेटेड दिखाना है लेकिन इतना भी नहीं दिखाना कि बहुत बहुत ज़्यादा ऐसा लगे, तो
मिक्सर, ये पार्ट थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मिक्स कर दिया पे, ठीक है, कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ऐसा कुछ हमने यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस किया कि मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना पड़े तो व्हाट आई वांट, यहाँ पे थोड़ा सा मैं बैलेंस कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सेप दिया, अभी मेरे सेप्स कैसे जा रहे हैं, अभी यहाँ पे मुझे अगर मैं आपको बताऊँ भाई मेरे पास सेप्स कैसा है, ये सेप मेरे पास इधर से ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, ये सेप मेरे पास यहाँ पे जा रहा है, तो मैं यहाँ पे इस वाले सेप्स को ऐसे ड्रा कर सकता हूँ। इसके बाद में ये सेप्स कैसे, ये कर्व में ऐसे जा रहा है। तो अगर आप यहाँ पे दो स्टैंडर्ड पे गए, अपने साइज़ को एंड फोकल शिफ्ट को आपने कम कर दिया अपने यहाँ पे, ठीक है, तो ये सेप्स आप यहाँ पे, ठीक है, फोकल शिफ्ट, ठीक है, ये देखो ये सेप्स को मैंने ऐसे करके यहाँ पे, ये ऐसे मैंने दिया पे। तो अभी मैं इसको दोस्तों ऐसे बैलेंस कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि चीज़ों को मैं मैनेज कर सकूँ यहाँ पे, ठीक है, ये भी तो कहाँ पे। तो अभी मैं इसको हल्का फुल्का यहाँ पे थोड़ा सा टचअप देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ यहाँ पे, कि साइज़ को मैंने यहाँ पे स्टैंड को थोड़ा सा कम करना पड़ता हूँ, ठीक है। तो ये मैं इस टाइप से मैं स्कल करना स्टार्ट करूँ तो मेरे पास ये चीज़ें कुछ ऐसे भी दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा स्कल, थोड़ा सा ब्लेंड, थोड़ा सा चीज़ों को आपको ऐसे मैनेज करना है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करोगे तो टिप्स एंड ट्रिक्स आपको थोड़ा सा यहाँ पे मिलने वाला है, क्या ठीक है। इसको थोड़ा सा आप मैनेज करो तो मूव टूल, ठीक है, स्विफ्ट एंड स्मूथ, ये पार्ट मैंने थोड़ा सा यहाँ पे, और इस टाइप में थोड़ा सा मैं अगर ऐसे मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, देखो ओके, तो ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। इसके बाद आप यहाँ पे जाओ स्टैंडर्ड पे गए और अपने यहाँ पे ठीक है ऐसा करके आप थोड़ा सा दिखा सकते हो आप यहाँ पे, थोड़ा तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस करके आप थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करो भाई कैसे क्या काम करना। तो एक छोटा सा टिप्स दिया मैंने, चलो यहाँ पे कैसे क्या काम कर सकते हैं, किस टाइप से मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, यहाँ देखो यहाँ पे रिप केज है, बाकी सब चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा उसको थोड़ा सा बैलेंस करो, ठीक है, मैनेज करोगे तो और थोड़ा सा बेटर देगा। लास्ट में थोड़ा सा ब्लेंड जरूर करना, बहुत ही प्रोमिनेंट नहीं चाहिए मुझे, बहुत ज़्यादा मस्कुलर नहीं चाहिए, तो मैं थोड़ा सा ब्लेंड करके यहाँ पे दिखाऊंगा भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, ठीक है। बैलेंस में चाहिए तो थोड़ा बहुत बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा अप डाउन यहाँ पर चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि जब हम एक चीज़ को जब चेंज करते तो थोड़ा इसको दो सही जैसे मैंने दो यहाँ पे चेंज किया तो बैलेंस किया जा सकता है यहाँ पर, ओके। यहाँ पे देखो यहाँ पे जो पार्ट अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे दो सा इसको भी ब्लेंड करके यहाँ पे देना पड़ेगा यहाँ पे क्ले बिल्डअप है, और देन मैंने यहाँ पे लास्ट में मुझे दो यहाँ पे ब्लेंड करके दिखाना पड़ेगा यहाँ पे किस चीज़ को मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करूँ यहाँ पे, ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ पे टचअप दे देते हैं। ये पार्ट आपका ऐसा होगा, ये आपका ऐसा, ओके। तो लाइक आपका बेसिक लुक एंड फील आ जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं एक बार फोर आर्म्स वाले पार्ट पे। फोर आर्म्स वाले पार्ट में अगर हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, देखो ये फोर आर्म्स वाला पार्ट आपका जाता है कहाँ से, देखो ये मसल्स आपका यहाँ पे जा रहा है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको होती है यहाँ पे। अगर मैं कहूँ यहाँ पे मुझे यहाँ पे जो भी कोई काम करना है तो क्ले बिल्डअप है, यहाँ से मुझे जो भी कोई काम करना है तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ से ये कनेक्टेड मुझे ये पार्ट यहाँ से दिखाना है, ये पार्ट मसल्स को मैं यहाँ पे स्टडी करनी, क्योंकि मेरे पास ये मसल्स इधर से आते हैं। आप कितना करना है यहाँ वाले पार्ट को आप यहाँ पे जान दो, आपको इधर वाले पार्ट पर तो सब काम करना है कि चीज़ों को आप कैसे निकाल सकते हो आप यहाँ पे। दूसरा पार्ट आपका देखो यहाँ पे दोनों पार्ट आपके डिवाइडेड होते हैं, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के बीच में एक बेसिक सा स्ट्रिप होता है, क्या ठीक है, ये स्ट्रिप आपको यहाँ पे दिखता है। अभी जैसे मैं अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे वो चीज़ हल्का सा विजुअल है, बहुत ज्यादा नहीं, एनाटॉमी वाइज देखो तो यहाँ पे चाहिए थोड़ा सा अलग से देखेगा, तो यहाँ पे क्या होता है ये चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा मिक्सअप हो जाता है इसके साथ ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा मैं मिक्सअप करूँ इसके साथ तो मुझे यहाँ पे ट्राइस वाले पार्ट को थोड़ा सा बाहर निकालना पड़ेगा इस टाइप से। तो अभी मुझे पता है कि मैं एक बेसिक स्ट्रिप ऐसा आ रहा है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैं ऐसे बैलेंस कर सकता हूँ, भाई मुझे पास ऐसी चीज़ें कुछ हैं, ठीक है, ये पार्ट मैंने जैसे थोड़ा सा। तो फ्रंट्स आपके यहाँ पे देखो बाइसेप्स हैं, ट्राइसेप्स आपको ज़्यादा विजुअल होगा यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे ये पार्ट, ठीक है, स्विफ्ट एंड स्मूथ ये ब्लेंड किया मैंने यहाँ पे। अभी ये हमें पता है तो हम लोग चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। देखो अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे मुझे बाइसेप्स वाले पार्ट को थोड़ा सा मिक्स करना है, तो मैं मिक्स करने के लिए यहाँ पे क्या करने वाला हूँ अभी मैं इसका, अभी इसको मैं ब्लेंड करता हूँ। प्रोमिनेंट चीज़ें हैं लेकिन उन चीज़ों को मैं थोड़ा सा ऐसे ब्लेंड करता हूँ चाहिए थोड़ा सा बैलेंस लगे यहाँ पे। तब देखो ये पार्ट आपके यहाँ पे मिक्स होकर देखेगा आपके यहाँ पे भाई सेप में बस कैसा है। अगर बेस आपका ठीक है तो आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। डेल्टा वाले पार्ट को आप देखो, डेल्टा वाले पार्ट को आप यहाँ पे कैसे ब्लेंड होना है, ठीक है। तो ये पार्ट आप ऐसे भी दिखा सकते हैं यहाँ पे जस्ट काइंड ऑफ, ठीक है, ऐसे कुछ, ठीक है, ये आप मैनेज करो, ओके। यहाँ पर हम लोग देखें यहाँ पे तो कुछ चीज़ ऐसे दिखने, जैसे नेगेटिव मैंने किया तो नेगेटिव में मेरे पास ये पार्ट ऐसा कुछ दिखने वाला है, ठीक है।
जस्ट काइंड ऑफ ये पार्ट हमने देखा यहाँ पे, ठीक है, और देन यहाँ से हम लोग देखेंगे, ठीक है। आप यहाँ से थोड़ा सा बैलेंस करो तो आपके यहाँ पे चीज़ देखेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा ये पार्ट आपको ये देखना, थोड़ा सा मैं इसे नेगेटिव भी करने वाला हूँ, तो बहुत ज़्यादा मैं ऐसा नहीं दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्टेड इधर वाले पार्ट को करने वाला हूँ, इधर वाले पार्ट को करने वाला हूँ। अगर मैं बीच वाले स्ट्रिप का अगर मैं कवर अप करता हूँ तो मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज कर दिया, यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैं ऐसे बैलेंस करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे चीज़ों का हल्का सा लाइक देखना पे, ये आप चाहो तो आपको इस पॉइंट को आप यहाँ से यहाँ पे और यहाँ पे अपने चीज़ों को मैनेज किया कि ऐसे कुछ मुझे दिखाना है। तो ये पार्ट नीचे ज़्यादा होता है, ये पार्ट थोड़ा सा सामने से ऊपर जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप हल्का सा यहाँ पे स्कल्प करो, इसी को थोड़ा सा बैलेंस करो आप यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट आप यहाँ पे करो तो चीज़ों को थोड़ा सा ऐसे बैलेंस करके देखें कि भाई मुझे कैसे क्या काम करना है। तो ये थोड़ा सा आपको मसल्स वाइज आपको यहाँ पे थोड़ा सा ब्लेंड करके देखा यहाँ पे देखो ये पार्ट, ठीक है। कहीं पर ऐसा लगे कि मैं सिर्फ काम नहीं करता, मैं ऐसे नेगेटिव स्कल्प करके भी मैं मैनेज कर दूंगा यहाँ पे। इसमें भी तीन मसल्स आपके यहाँ पे आ जाते हैं डेल्टॉइड के अंदर भी, ठीक है। ओके, यहाँ पे सेप्स आप यहाँ पे ऐसे करके मैनेज कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ऐसे करके मैनेज कर सकते हैं। मेरे पास फोर आर्म्स तो नहीं, देखो ये वाला पार्ट मैं यहाँ पे लिखा, तो मुझे ये पार्ट यहाँ से कनेक्टेड देना है यहाँ पे, ये यहाँ से और ये यहाँ से। ये सिंपल सा पार्ट आपको, ये आपको बेसिक सा टर्न आपको निकाल देने का, ये बेसिक सा टर्न आप निकाल दोगे तो आपके यहाँ पे थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा यहाँ पे। देखो ये साइड वाले पार्ट से मैंने ये पार्ट ऐसे निकाल दिया यहाँ पे, ये पार्ट देखा यहाँ पे यहाँ पे। आप चीज़ों को ऐसे मैनेज करो, देन यहाँ से एक सिंपल सा पार्ट, ये पार्ट आपने इतने ही पार्ट से आप अगर काम करते हो तो बेसिक स्ट्रक्चर आपके यहाँ पे बेटर दिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप ऐसे करके थोड़ा सा बैलेंस कर दोगे तो थोड़ा सा बेटर दिखेगा, ठीक है। फोरम्स वाला पार्ट तो आपको देखिए भाई, मेरे पास अगर ऐसे में कुछ काम करता हूँ तो मैं बस इस टाइप से चीज़ को मैनेज कर सकूँ यहाँ पे। बस ये कनेक्टेड ध्यान रखोगे ना, ये कनेक्टेड आपको ध्यान दें यहाँ पे, ये पार्ट कैसे कनेक्टेड है और कहाँ तक कनेक्टेड है, वो चीज़ आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर मैनेज करता हूँ तो ये पार्ट मैं यहाँ पर थोड़ा सा बैलेंस करूँगा कि भाई मुझे अब इसके अकॉर्डिंग में थोड़ा सा अगर कन्वर्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास ये पार्ट यहाँ पर ऐसे करके मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये पार्ट जस्ट काइंड ऑफ ये कर्व के साथ ही आप डील करना है आपको यहाँ पर। तो आप चीज़ों का ऐसे मैनेज करते हो तो आपको ऐसे यहाँ पर चाहिए थोड़ा सा इधर से भी आपको बैलेंस देखेगा आपको यहाँ पर, कि आप बैलेंस में आप किस टाइप से चीज़ को फुलफिल कर रहे हो। आपका निगेटिव स्कल्पिंग भी अच्छा काम करने वाला है, ठीक है। आपका ये जो पार्ट है लाइक अगर मैं बोलूँ यहाँ पर तो यहाँ देखा पे स्मूथ भी बहुत अच्छी कटिंग होती है यहाँ पर। तो मैं निगेटिव स्कल्प भी करके थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँगा, मेरे पास यहाँ पर चाहिए ऐसे देखेगा पे। देन नॉर्मल पोजेस में यहाँ पर देखूँ ये पार्ट काइंड ऑफ ब्लेंड करने का, लाइक जहाँ पे ब्लेंड की नीड है वहाँ ब्लेंड करना है पे यहाँ देखा पे। अब ये थोड़ा सा लंबा है, अब मैं इसे थोड़ा सा मोटा कर दूँगा तो लंबा नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये हल्का सा निगेटिव स्कल्प भी करके यहाँ पे ये भी मैनेज करता हूँ। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कम किया था कि यहाँ पे कम होने से ये लंबा दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपका यहाँ से अगर पार्ट अगर ऐसे ऐड ऑन होता है तो ठीक है, दिस इज़ गुड। लेकिन यहाँ पर अगर ये 22 साल पार्ट आपको थोड़ा सा अगर मोटा हो गया तो ये इसकी हाइट थोड़ी सी कम लगेगी यहाँ पर। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ऐसे भी देना पड़ेगा कि आपको ऐसे करके आप मैनेज करो, तो इसलिए इसको थोड़ा सा बैलेंस करके रखते हैं यहाँ पर। देख रहे हैं यहाँ पर अभी इसको आपको थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा दोगे तो ये थोड़ा सा अनबैलेंस लगेगा, तो आप ऐसे चीज़ को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। अभी क्लियर है।